E24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और इस वक्त मेरी बड़ी सी स्माइल इसलिए मेरे साथ है क्योंकि मैं बैठा हूं द आइकॉनिक रवीना टंडन, यानी कि पद्मश्री रवीना टंडन के साथ। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम एक साल के बाद मिल रहे हैं और मेरी वही हैप्पीनेस जो मेरे आरण्यक के वक्त में था, वही हैप्पीनेस इस वक्त भी हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप मेरे लिए लकी हैं क्योंकि आप आरण्यक के टाइम मिले और पिछले साल हर अवार्ड मुझे आरण्यक के लिए मिला है। सो आई थिंक यू आर रियली लकी फॉर मी। हर मेरे फिल्म के स्टार्ट या शो के स्टार्ट के पहले मिला करो, ठीक है? कैसी हैं आप, लाइक बास्किंग इन द हैप्पीनेस ऑफ पद्मश्री अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे? इट इज स्टिल नॉट संक इन, एक होता है ना, एक अब्सॉर्ब हो गया कि ओके, पर बहुत खुशी है और मैं बहुत आभारी हूँ एक्चुअली मेरे वेल विशर्स, मेरे फैंस, गवर्नमेंट की, कि उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा ऑनर दिया है और उनके दे रिकग्नाइज माई बॉडी ऑफ वर्क फॉर ऑल दीज ईयर्स दैट आई हैव बीन हियर। एंड जिस तरीके से मैंने काम अपना बैलेंस भी किया, मैं एक्चुअली समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, यू नो, क्योंकि आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज फ्यू आर्टिस्ट जो चाहे कमर्शियल सक्सेसेस हों या रियलिस्टिक फिल्म्स हों, चाहे शूल, जागो, दमन, सत्ता, गुलाम मुस्तफ़ा, अक्स, ऐसी फिल्मों के लिए भी मुझे ढेर सारे अवार्ड्स मिले। चाहे वो नेशनल अवार्ड, शूल को भी नेशनल अवार्ड मिला था और दमन को भी मेरे लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो आफ्टर टू नेशनल अवार्ड फिल्म्स, आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज सोने पे सुहागा। कैसे रवीना मैम, कैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन आया? आप कहीं पे थे, आई गेस बाहर थे, कि आपको ये खबर आपको मिली कि आपको सम्मानित किया जा रहा है? अगर कुछ ऐसी कोई कहानी नहीं है, मैं गाड़ी में, एक आई वॉज इन भोपाल फॉर अ वेडिंग, तो मुझे एक हमारे जो हिंदुस्तान टाइम्स के एक दोस्त हैं उनका फ़ोन आया कि मुबारक हो, यू वन द पद्मश्री। मैंने कहा क्या, मैंने कहा नेटवर्क ठीक नहीं, एक मिनट वापस बोल। तो उन्होंने कहा हाँ, अभी लिस्ट रिलीज हुई है। तो फिर धड़ाधड़ हमने रीमान को फ़ोन किया और घर पे फ़ोन किया कि टीवी ऑन करो, ऐसा कुछ है क्या खबर? तो मैंने उसको बोला वेट वेट, आई कॉल यू बैक। फिर घर पे फोन किया, फिर माय हस्बैंड ही पुट ऑन द टीवी एंड ही सॉ एंड देन ही कॉल्ड मी बैक, ही सेड अब तू घर आ जा, अब सेलिब्रेट करने का टाइम है। इस अवार्ड को रवीना मैम आप किसे प्रेजेंट करना चाहेंगी, किसे आप इसे, जिस तरह हम जाते हैं स्टेज पे, हम कहते हैं कि हम इसे डेडिकेट करते हैं, लेकिन आप इस अवार्ड को किसे करना चाहेंगे डेडिकेट? आई थिंक पापा होते तो बहुत ही खुश होते, तो एंड नाम भी अवार्ड पे रवीना रवि टंडन है, तो ये अवार्ड रवि टंडन का है मेरे से ज्यादा। हम बहुत ज्यादा खुश हैं, फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं, आपकी स्टोरीज बहुत ज्यादा, मतलब खुशियां बांट रही हैं सबको। लेकिन जब पहला, जब आपको अपार्ट फ्रॉम द पर्सन आपको उन्होंने कॉल किया, बट इंडस्ट्री से सबसे पहले आपको किसने इस तरह विश किया, क्या वो एक्साइटमेंट था, क्या बातें हुई अगर बताना चाहें तो? ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं एक तो उस रात से सो ही नहीं हूँ, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री से किसने मुझे पहले विश किया। मतलब सबके फोन्स आ गए, संजू के, शिल्पा के, जूही के, फारा, करण, रितेश, नीलम, सोनाली, आई एम फॉरगेटिंग अलॉट ऑफ माई फ्रेंड, ऑल माई फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड इट इज़ बीन। यश का फोन आया एक्चुअली, हाँ, फर्स्ट कॉल एक्चुअली यश का था फ्रॉम द इंडस्ट्री। यश एंड राधिका हिज वाइफ दोनों ने फोन किया एंड उसने बोला, ही सेड डिडंट आई टेल यू मैम, क्योंकि यश ने पहले रशेस देखे थे KGF 2 के, हम लोग के देखने से पहले, रिलीज होने से पहले, और उसने तभी फोन किया था एंड सेड मैम यू किल्ड इट, मतलब तुमने धो दिया है सबको उसमें। एंड तो इसलिए यश का फोन आया, उसने बोला मुझे कि डिडंट आई टेल यू, मैंने रशेस देख के ही आपको बोला था कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर्स, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा, अगर ये साल आपका है, लेकिन आगे हम क्या कुछ देखने वाले हैं रवीना मैम, आप क्या कुछ प्रोजेक्ट्स अगर लाइन में है कुछ अगर बताना? बहुत कुछ है, लेकिन आजकल क्या है, सब वेट करते हैं वो अनाउंसमेंट करने के लिए। तो सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि यस, एक और वेब सीरीज की है, आरण्यक 2 शुरू हो जाएगी जल्दी। आई एम होपिंग KGF 3 भी हो, अभी पाइपलाइन में है नहीं है, पर उन्होंने तो अनाउंस किया है कि 5 तक तो है शायद। एंड फिर एक फिल्म और की, दो फिल्में और की हैं, एक संजू के साथ है और एक दूसरी फिल्म है अरबाज जी की। तो अभी तक फिलहाल ये हैं, आगे अब और भी सोच समझ के चुनना पड़ेगा।
यही सवाल मेरा नेक्स्ट था कि अब आप किस तरह से स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती हो, बिकॉज आरण्यक हमें बहुत पसंद आया, हमने केजीएफ को भी हमने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन अब इस स्टेज पे आने के बाद आप किस तरह से स्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट करती हैं? आई थिंक पहले से ही मेरा ये रहा है, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मैं रोल्स करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पिछली बार किया है वो फिर से ना दोहराऊँ। आई डोंट वांट टू गेट स्टीरियोटाइप। तो चाहे आप देखेंगे दमन में आई प्लेड एन आसामीज हाउस वाइफ, इन शूल आई प्लेड यू नो बिहारी हाउस वाइफ विद अ बिहारी डायलेक्ट, देन इन अरण्यक आई प्लेड अ हिमाचली कॉप, इन अक्स आई वॉज कम्प्लीटली अल्ट्रा ग्लैमरस, अंदाज अपना अपना वॉज कॉमेडी, जिद्दी वॉज अगेन आई वॉज प्लेइंग यू नो इट वॉज मोर ऑफ आई वॉज प्लेइंग अ डांसर इन। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि एंड सत्ता आई वॉज प्लेइंग अ वेरी यू नो इनोसेंट गर्ल हु बिकम्स अ श्रूड पॉलिटिशियन। सो आई हैव ट्राइड टू डू एज मेनी एज वेरीड रोल्स दैट आई कैन एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है मुझे हर किरदार में अब तक। अगर फिल्म्स क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई हों और अवार्ड्स जीती हों तो मेरी कमर्शियल कॉमेडी फिल्म, चाहे दुल्हे राजा हो या मोहरा हो या कोई भी इम्तिहान हो, दिलवाले आप ले लीजिए, वो कमर्शियल बहुत बड़ी सक्सेसेस हुई हैं, उनके गाने आज तक बजते हैं और आज तक रीमिक्स होते हैं। तो इट्स लाइक आई थिंक आई बीन रियली लकी एक्चुअली दैट वे। हम चाहते हैं कि आप लकी रहें। और रही बात वुमेन 20 की, आप वहाँ पे पहली इंडस्ट्री से होंगी जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में अगर हमें कुछ बताना चाहें। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट विमेन इन आर W20 समिट दैट विल हैपन नाउ वेरी सून, द मीटिंग्स विल स्टार्ट, जहाँ हम और महिलाओं के इश्यूज़ के बारे में, समस्याओं के बारे में बात करेंगे, क्या आगे हमें स्टेप्स लेने चाहिए इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन, और हमने तरक्कियाँ भी कहाँ की हैं। क्योंकि क्या होता है, ऑलवेज एक हम नेगेटिव न्यूज़ पढ़ लेते हैं और फिर उस पर ही ज़्यादा ध्यान जाता है, लेकिन कहीं हमने तरक्की भी बहुत की है, जहाँ तक एक गर्ल चाइल्ड का भी सवाल है। स्टेटिस्टिकली जो पहले बहुत फिगर्स लो थे, हम उसको लिटरली बैलेंस पे लेके आए हैं गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड के हिसाब से, तो वो भी बहुत तरक्कियाँ की हैं। और अगर आप देखेंगे हिंदुस्तानी औरतें, जो पूरी दुनिया में शायद इतना नहीं हो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको यहां मिलती हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हो, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो, इंजन ड्राइवर्स हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हमारी पायलट्स हो। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड एज एन इंडियन एंड एज अ वुमन टू बी एन इंडियन वुमन बॉर्न इन इंडिया। आई थिंक जितनी फ्रीडम और जितनी हमको अपॉर्चुनिटीज हिंदुस्तान में मिलती हैं, मैंने शायद ही कहीं और देशों में देखा हो। बिल्कुल सही। लास्टली ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे न्यूज सर्फेस हो रहे थे राशा को लेकर और उनकी एक्टिंग करियर को लेकर। बट आई विल इन्फॉर्म यू एंड वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट इज, इट्स टू प्रीमैच्योर। चलिए, थैंक यू सो मच रवीना मैम हमसे बात करने के लिए, और हम चाहते हैं ये साल आपका हो और हम आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम जल्दी जल्द से जल्द आपसे मिले, जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन अंचल के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।